पुलिस के द्वारा सुबह तड़के हुई मुठभेड़ के बाद ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में सुबह तड़के एटीएस की टीम ने एनकाउंटर की, जिसमें 4 राउंड फायरिंग हुई और 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया गया। अकील और इश्तियार दोनों को गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच की जा रही है। ये गाड़ियां चुराकर आगे किसे बेचते थे, इसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। रानी झांसी मार्ग पर सुबह 5 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ, जिसमें आरोपी इश्तियाक को गोली घुटने में लगी। इनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। गाड़ी चुराकर नंबर प्लेट कर बेचते थे। वेद प्रकाश, दिल्ली, समाचार 24। आज की सुबह हमारे सेंट्रल जिले की एटीएस टीम ने एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद, जिसमें 4 राउंड फायर किए गए, उसमें हम लोगों ने 2 नोटोरियस ऑटो लिफ्टर्स को पकड़ा है। ये दोनों ही इश्तियाक अलियास सुखा मेरठ का रहने वाला है और दिल्ली में इसके ऊपर आज तक 32 मुकदमे दर्ज हैं। और दूसरा अकील, जो कि मुजफ्फरनगर यूपी का रहने वाला है, नोटोरियस ऑटो लिफ्टर है, इसके ऊपर 4 मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों को हमने एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद कल हमारे सेंट्रल जिला के रानी झांसी रोड से इनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इसमें 3 गोलियां जो अपराधी हैं उन्होंने पुलिस वालों पर चलाई। पहले इन्होंने फायर किया और रिटेलिएशन में एक फायर जो है वो अक्यूज इश्तियाक की पिंडली में घुटने के नीचे पिंडली में लगा है। अभी वो एडमिट है हॉस्पिटल में। मैम, ये लोग कब से इस तरह की वारदात कर रहे थे, या इनका कोई प्रोफाइल हो तो वो भी जरूर बता दो। इस मामले में वांटेड और वांटेड किस में थे और क्या रिकवरी भी हुई है कुछ? अच्छा, ये लोग दोनों ही नोटोरियस ऑटो लिफ्टर्स हैं। पहले इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जैसे मैंने आपको बताया 32 मुकदमे दिल्ली ही के एरिया में ऑटो लिफ्टिंग के से रिगार्डिंग इश्तियाक के ऊपर है और 3 मुकदमे अकील के ऊपर है। हमारे ही यहाँ की एक FIR राजेंद्र नगर में फॉर्चुनर गाड़ी को कारजैकिंग करके ले जाया गया था, उसमें भी ये वांटेड था इश्तियाक। उसके अलावा काफ़ी समय से हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही थी और हमने इनको सर्वेलेंस पे रखा हुआ था। इसके पहले भी एक बार इनका हमसे इनकाउंटर हो चुका है हमारी टीम के साथ और ये उस टाइम भाग गए थे। इनमें से 3 व्यक्तियों को तो हमने पीछा किया था, जिसमें से कि गाड़ी BL के हॉस्पिटल के सामने बैरिकेड में टक्कर मार के ये भागे थे। तो उस समय इश्तियाक और अकील ये हमारे हाथों से निकल गए थे, जबकि एक साथी को हमने उसमें अरेस्ट कर लिया था। तो उन 2 वारदातों को हमने इसमें सॉल्व किया ही है और ये इनका हमारे साथ एक तरह से तीसरा एनकाउंटर था, जिसमें कि हम लोग इनको अरेस्ट करने में सफल हुए। एनकाउंटर की नौबत क्यों आई, मतलब क्या वजह थी? ये पुलिस पार्टी को देखकर इन्होंने किया था या फिर रिटेलिएशन हुआ, वो और बता दें। देखिए, काफी समय से हमने इनको सर्वेलेंस पे रखा हुआ था और ये लोग, जैसे कि पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया था कि नोटोरियस क्रिमिनल है। एक रात में 2-2 गाड़ियां एक साथ चुरा के लेके जाते हैं, 2 या 3 आदमी गाड़ी में बैठकर आते हैं और फिर यहाँ से किया सेल्टोस, इस तरह की ब्रेजा, ये सब फॉर्चुनर की गाड़ियों को ये लोग उठाते हैं और 2-2 गाड़ियां एक रात में लेके जाते हैं। तो ये एक तरह से इसको अपने प्रोफेशन की तरह रोज करते हैं। तो जब इनको पता चला कि इनको इनके ऊपर सर्वेलेंस है, इनके पीछे हमारी गाड़ियां लगी, तो इन्होंने गाड़ी को बहुत तेज